नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल। आप देख रहे हैं अनिल मोबाइल टेक्नीशियन चैनल। तो आज मेरे पास है सैमसंग का A5 का 2016 मॉडल, ठीक है ना। इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसमें FRP लॉक लगा हुआ है, फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन। देखिए ये यहाँ पे आके इससे आगे नहीं बढ़ रहा, ये जो नेक्स्ट का ऑप्शन है ये नहीं हो रहा। तो ये बोल रहा है दिस डिवाइस वाज रीसेट टू कंटिन्यू साइन इन विद द गूगल अकाउंट दैट वाज प्रीवियसली साइन ऑन दिस डिवाइस। तो यानी यहाँ पे जो पहले गूगल अकाउंट लगा हुआ था वही गूगल अकाउंट डालना पड़ेगा, जीमेल आईडी डालना पड़ेगा, तभी ये नेक्स्ट होगा, खुलेगा। पर वो अपने को पता नहीं, कस्टमर भी भूल गया। तो अब इसको कैसे अनलॉक करते हैं, क्या है इसका सिस्टम, ठीक है ना। ये सब जानने के लिए वीडियो शुरू से लास्ट तक पूरा देखना ना भूलिए। तो इसमें मैं सारा कुछ मेथड अप्लाई करके देख चुका हूँ, स्लाइड सीन हो गया, उसके बाद टॉक बैक मेथड, सब कुछ ट्राई कर दिया, फिर भी ये जो अपना है नहीं हो रहा। तो इसको कैसे बनाते हैं, क्या इसका सिस्टम, ठीक है ना, तो देखते हैं हम। तो ठीक है ना, तो अब इसको FRP रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसका कॉम्बिनेशन फाइल डाउनलोड करके, इसको कॉम्बिनेशन फाइल से पहले फ्लैश करके उसके बाद हम इसको सॉफ्टवेयर करेंगे और FRP रिमूव करेंगे। तो देखते हैं कैसे कैसे होता है। सबसे पहले हम इसको डाउनलोड मोड में ले जाते हैं। देखिए होम बटन, वॉल्यूम माइनस और पावर की तीनों एक साथ अपने को प्रेस करके रखना पड़ेगा थोड़ी देर, तो ये अपने आप डाउनलोड मोड में चला जाएगा। तो देखिए ये बोल रहा है वॉल्यूम अप कंटिन्यू, वॉल्यूम डाउन कैंसिल। तो हम वॉल्यूम अप करेंगे, इसको डाउनलोड मोड में ले आएंगे, ठीक है ना। ये देखिए इसका मॉडल देख लीजिए एक बार आप, सैमसंग A510F, ठीक है ना। तो अब इसको हमें क्या क्या चाहिए, इससे पहले अपने को चाहिए एक कॉम्बिनेशन फाइल और फ्लैश फाइल, जो कि मैंने दोनों ही डाउनलोड करके रख चुका हूँ, ठीक है ना। तो पहले हम देख लेते हैं इसका फाइल कहाँ पे है। तो देखिए मैंने इसका कॉम्बिनेशन फाइल और ये दोनों डाउनलोड करके रख चुका हूँ। अब इसको फ्लैश करने के लिए अपने को चाहिए ओडिन, और ड्राइवर वगैरह मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके रख चुका हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कॉम्बिनेशन फाइल से सॉफ्टवेयर करेंगे। ये जो AP का ऑप्शन है इस पर हम जाएंगे, कॉम्बिनेशन फाइल जो है ये चूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ी देर अपने को वेट करना पड़ेगा। अब आप बोल रहे होंगे कॉम्बिनेशन फाइल कहाँ से डाउनलोड करना है, क्या है, तो उसके लिए अपने को मैं 2-3 साइट आपको बता देता हूँ। आप अगर आपके पास बॉक्स है, डायरेक्ट Z3X के सपोर्ट साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वरना जो मैंने डाउनलोड किया है वो क्या है, अपना सैम मोबाइल से डाउनलोड किया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं साइट, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है सैम मोबाइल फर्मवेयर, मैंने इससे डाउनलोड किया था। यहाँ पे आपको सैमसंग के जितने भी फ्लैश फाइल वगैरह हैं, ये सब आपको कॉम्बिनेशन फाइल, फ्लैश फाइल जितने भी हैं, ठीक है ना, ये सब आपको मिल जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे सिंपली, ठीक है ना, एक सैम मोबाइल पे एक ID बना सकते हो आप। ID बनाने के बाद उसके बाद आपको कौन सा मॉडल चाहिए, क्या चाहिए, सब आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे कि इसका था, इसके लिए A510F, ठीक है ना। ये देखिए आ गया सबसे ऊपर सैमसंग A5, ठीक है ना, गैलेक्सी A5 2016 SM A510F। तो यहाँ पे सर्च करेंगे हम, तो ठीक है ना, सर्च करने पर देखिए यहाँ पे नीचे ये देखिए बहुत सारी फाइल आ गए। अब आप अपने मोबाइल के हिसाब से कौन सा एंड्रॉयड वर्जन आपको डाउनलोड करना है, क्या है, वो अपने मोबाइल के हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सैम मोबाइल में आपको जितने भी सैमसंग के फ्लैश फाइल चाहिए वो सब यहाँ पे आपको फ्री में मिल जाते हैं डाउनलोड करने को। तो मैंने यहीं से डाउनलोड किया था, आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए मैंने ये कॉम्बिनेशन फाइल था जो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब अपने को कुछ नहीं करना है, देखिए डाटा केबल से आपको मोबाइल को यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है। तो कनेक्ट करते ही देखिए पहले जो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू कलर का है वो नहीं था, ये कॉम देख लिख के यहाँ पे अगर ऐसा आ गया तो अपना ये समझना चाहिए कि अपना जो ये मोबाइल है वो
इस फ्लैशर से, ओडिन फ्लैशर से कनेक्ट हो गया। अब हम इसको फ्लैश करने के लिए रेडी हैं, ठीक है ना। तो अब हम स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर लेते हैं, स्टार्ट। तो देखिए ये हो रहा है, देखिए मोबाइल यहाँ पे ये फ्लैश हो रहा है। तो थोड़ी देर वेट करते हैं हम जब तक ये होगा, इसको पॉज करके रख देता हूँ मैं, होते ही आपको दिखा दूँगा क्योंकि वीडियो लंबा होगा वरना। तो देखिए ये भी अपना अब कंप्लीट होने ही वाला है, ठीक है ना। ये देखिए हो गया, अब ये मोबाइल अपने आप रिस्टार्ट होगा, ठीक है ना। शुरू पे जो अपने को फाइल से वो करना है वो अपना कॉम्बिनेशन फाइल, ठीक है ना। आप इसी सैम मोबाइल पे जाके कॉम्बिनेशन फाइल सर्च करोगे आपको यहीं पे मिल जाएगा, ठीक है ना। वरना आप अगर आपके पास Z3 बॉक्स है उससे भी डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो गूगल पे जाके भी आप सर्च कर सकते हो अपने मोबाइल के हिसाब से कॉम्बिनेशन फाइल, ठीक है ना। देखिए ये खुल रहा है, ये जो ऐसा जो खुलेगा वो कॉम्बिनेशन फाइल से ही खुलेगा, नहीं तो नहीं होगा ऐसा, ठीक है ना। आप दूसरे जो फ्लैश फाइल होता है नॉर्मली उससे फ्लैश करोगे तो फिर ऐसा ये जो फैक्ट्री मोड पे है ये नहीं खुलेगा आपका मोबाइल। तो अब यहाँ पे थोड़ी देर हम वेट करते हैं, ये खुल जाएगा। तो देखिए अब इस कंडीशन में अपना मोबाइल खुल चुका है, देखिए, ठीक है ना। ठीक है, अब आपको यहाँ पे मेनू पे बस दो चार ही ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो अपने को ये कैलकुलेटर मोड में डालते हैं, यहाँ पे स्टार हैज 0808 हैज, देखिए स्टार हैज 0808 हैज डायल कर लेते हैं, ठीक है। AB पे सेलेक्ट है, MT+ADB, ठीक है ना, ओके, ठीक है ना। ठीक है ना, अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे इसको फैक्ट्री रीसेट कर देना है। यहाँ पे जाना है, सेटिंग पे जाना है आपको, ठीक है ना। उसके बाद जाना है आपको बैकअप एंड रीसेट, फैक्ट्री डाटा रीसेट, रीसेट फ़ोन, इरेज एवरीथिंग। देखिए फैक्ट्री रीसेट हो रहा है ये, ठीक है ना। अपने ने इसको फैक्ट्री रीसेट भी कर दिया, ठीक है ना। तो आप ये पहला स्टेप तो समझ गए होंगे, अपने को कुछ नहीं करना है, अपने को क्या करना है कॉम्बिनेशन फाइल डाउनलोड करना है। अगर आपके पास बॉक्स है तो बॉक्स से भी आ जाएगा, वरना गूगल वगैरह से आप कॉम्बिनेशन फाइल सर्च कर लीजिए, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन फाइल डाउनलोड करने के बाद आपको ओडिन पे उससे नॉर्मली यही AP पे जाके वो कॉम्बिनेशन फाइल सिलेक्ट करना है और इसको फ्लैश कर देना है। एक्चुअली मैं इसका कॉम्बिनेशन फाइल और फ्लैश फाइल डिस्क्रिप्शन में भी दे सकता था, पर होता क्या है कि सब ये जो इसके जो फाइल्स होते हैं वो कंट्री वाइज अलग अलग होते हैं हर एक मोबाइल के, ठीक है ना। जैसे कि A5V है तो इस पर हर एक फाइल अलग, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे जो वर्जन दिया हुआ है PDA वर्जन, ठीक है ना, ऐसा ऐसा करके दिया होता है। हर एक मोबाइल का थोड़ा अलग अलग टाइप का होता है। तो फिर अगर मैं आपको एक फ्लैश फाइल दे दूँ उससे काम नहीं बना तो फिर आपको फिर आप कमेंट पे गाली लिखने लगोगे, तो इसलिए मैं लिंक आपको नहीं दे रहा इस फाइल का। आप नॉर्मली अगर आपके पास Z3X बॉक्स है तो बॉक्स से कॉम्बिनेशन फाइल डाउनलोड कर लीजिए, वो बेस्ट है, नहीं तो आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है ना। बस मैं यहाँ पे FRP रिमूव करने का, ऐसा अगर आपके पास कोई मॉडल आ जाए, अगर वो साइट सीन से, ठीक है ना, नॉर्मली जो बहुत सारे टूल आए हैं आजकल उन टूलों से भी FRP नहीं जा रहा, बॉक्स से भी FRP नहीं जा रहा, तो लास्ट ऑप्शन जो होता है उस पर आप इसी तरीके से कॉम्बिनेशन फाइल डाल के भी FRP रिमूव कर सकते हैं। बस मैं नॉर्मली ये आपको मेथड ही बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो अपने को ये कॉम्बिनेशन फाइल से ये फ्लैश भी हो गया ऐसा है, अब फिर से हम इसको डाउनलोड मोड में ले जाएंगे, ठीक है। होम बटन पावर बटन और वॉल्यूम माइनस का जो
ये तीनों बटन है, थोड़ी देर प्रेस के कंटिन्यू प्रेस करके रखना है अपने को, तो ये अपने आप डाउनलोड मोड पे चला जाएगा, ठीक है ना। तो ठीक है ना, ये तीनों बटन आपको वॉल्यूम माइनस, पावर बटन और होम बटन तीनों प्रेस करने में ऐसा आ जाएगा फिर से। तो अब आप फिर से वॉल्यूम प्लस दाबिए, ये देखिए डाउनलोड मोड में आ गया। अब अपने को जो मेन फ्लैश फाइल है, ठीक है ना, इसका अब उसको यहाँ पे ये सिलेक्ट करना है। अब ये कॉम्बिनेशन फाइल हो गया, हमने इसको कर दिया फ्लैश। अब हम इसको कर देते हैं यहाँ से रीसेट, ठीक है ना। ये रीसेट के बटन पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सब क्लियर हो गया। तो फिर से एपी में जाएंगे और यहाँ से जो इसका फ्लैश फाइल है ये सिलेक्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे ये लोड हो रहा है, तो देखिए ये ओरिन पे फाइल लोड हो रहा है। तो आजकल की बीच में एंड्रॉयड 7 के जो लेटेस्ट सिक्योरिटी पाथ हैं, लेटेस्ट सिक्योरिटी पाथ हैं, वो सब नॉर्मली पहले पहले जैसे आसान तरीके से साइड सीन वगैरह से, टॉक बैक मेथड से, वो सब FRP रिमूव नहीं हो रहे। तो उसके लिए आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन फाइल डाउनलोड करके आपको फ्लैश करके करना पड़ेगा। या तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कि इसका एंड्रॉयड वर्जन 7 है, लेटेस्ट सिक्योरिटी पाथ है, तो इसको डाउनग्रेड भी कर सकते हैं। जैसे भी इसके एंड्रॉयड वर्जन 7 है तो इसको डाउनग्रेड करके एंड्रॉयड वर्जन 6 डाल के, तो फिर जो पुराना मेथड वगैरह है, साइड सीन, टॉक बैक मेथड, ऐसे भी होता है। नहीं तो उससे आसान ये रहता है आपको कॉम्बिनेशन फाइल डाउनलोड करके, ऐसे करने में आपको आसानी भी होगी, जल्दी भी होगी। तो आप जो जितने भी नए सिक्योरिटी पाथ के, जितने भी एंड्रॉयड 7 वर्जन के सिक्योरिटी पाथ के लेटेस्ट FRP हैं, तो आप भी इसी तरीके से रिमूव कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये फाइल भी यहाँ पे लोड हो चुका है। अब हमें कुछ नहीं करना है, फिर से USB केबल को देखिए, यहाँ पे अभी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है ना, ये क्लियर है। अब जैसे ही हम इसको USB केबल को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, तो देखिए यहाँ पे फिर से कॉम का ये आ जाएगा, COM32 करके, यानी कि इसका मतलब ये है कि अपना फ़ोन ओडिन फ्लैशर से कनेक्ट हो गया। तो फिर से हमको यहाँ पे स्टार्ट करना है और इसको फ्लैश कर देना है। देखिए स्टार्ट हो गया, फ्लैश हो रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, हमको 4-5 मिनट लगेंगे ये फ्लैश होने तक। तो जब तक ये फ्लैश होता है तब तक के लिए मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए ये बस कंप्लीट होने ही वाला है, अपना जो फ्लैश है वो कंप्लीट होने वाला है। तो देखिए हो गया ये, अब मोबाइल रिसेट होगा, तब तक हमें थोड़ी सी देर वेट कर लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो देखिए थोड़ा सा ऑन होने में, थोड़ी बार पहली बार थोड़ा सा टाइम लेता है ये। तो देखिए हो रहा है अब, तो देखिए ये बस कंप्लीट होने ही वाला है। तो देखिए स्किप स्किप फिनिश लेटर। तो देखिए जो अपना FRP था वो रिमूव हो गया और अपना जो मोबाइल है वो ऑन हो गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो को वीडियो पसंद आई और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।
और चैनल को सब्सक्राइब करके, जो सब्सक्राइब के पास बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो ऐसा इंटरेस्टिंग नॉलेज वाला वीडियो डालूं जिससे आपको मदद मिले, तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। और कमेंट करके बताना ना भूलिएगा कि वीडियो कैसी लगी और अगला प्रॉब्लम मैं किस प्रॉब्लम के ऊपर बनाऊँ। तो ठीक है ना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।